उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा विगत 3 वर्षों में किए गए व्यवसायिक कार्यकलापों, ग्राहकों को प्रदान की जा रही तकनीकी बैंकिंग सुविधाओं एवं बैंक की भावी योजनाओं की झलक। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय सहकारी सांख ढांचे की शीर्ष संस्था उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित बैंक की 27 शाखाओं, 23 भुगतान कार्यालयों तथा 12 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं, चीनी मिल वित्त पोषण तथा बैंकों की एवं जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं के निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है। मध्य स्तर पर 50 जिला सहकारी बैंक अपनी 1260 शाखाओं तथा शाखाओं से संबद्ध 7479 पैक्स के माध्यम से अपने सदस्यों, कृषकों तथा बैंक के ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। अंश पूंजी वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में शीर्ष बैंक की अंश पूंजी 274.61 करोड़ थी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़कर 274.81 करोड़ हो गई है। लाभ, अपनी स्थापना से निरंतर लाभ पर रहे बैंक का वर्ष 2017-18 में शुद्ध लाभ 40.91 करोड़, वर्ष 2018-19 में 42.1 करोड़ एवं वर्ष 2019-20 में बढ़कर 43.28 करोड़ हो गया है। विविधीकृत योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं द्वारा वर्ष 2017-18 में 89.33 करोड़, वर्ष 2018-19 में 95.22 करोड़ एवं 2019-20 में 105.59 करोड़ का ऋण विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों एवं पैक्स के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर फसली ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस मद के अंतर्गत प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों द्वारा 31-3-2018 को मात्र 3908.04 करोड़ का ऋण वितरण किया गया था, जो बढ़कर 31-3-2019 को 5163.17 करोड़ एवं 31-3-20 को बढ़कर 6150.21 करोड़ रुपए हो गया है। फसली ऋण वितरण के साथ साथ फसली ऋणों की वसूली में भी निरंतर प्रयास करते हुए प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2018-19 में 5893.58 करोड़ की वसूली की गई थी तथा निरंतर प्रयास करते हुए कोविड-19 के प्रभावों से बिना विचलित हुए 2019-20 में 6750.60 करोड़ की वसूली की गई है, जो एक कीर्तिमान है। जनपद स्तरीय कार्यक्षेत्र, सीमित स्टाफ तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग वातावरण के बावजूद भी जिला सहकारी बैंकों द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए वर्ष 2017-18 में 17,023.76 करोड़, वर्ष 2018-19 में 18,072.48 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में 19,037.48 करोड़ रुपए का निक्षेप संचित किया गया। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों का कुल व्यवसाय। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक तथा प्रदेश की सभी 50 जिला सहकारी बैंकों का संयुक्त रूप से कुल व्यवसाय वर्ष 2017-18 के दौरान 41,580.88 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 के दौरान 41,631.32 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 के दौरान 46,536.55 करोड़ रहा, जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान का परिचायक है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा फूड क्रेडिट कंसोर्टियम में वर्ष 2017-18 के दौरान 671 करोड़ का विनियोजन किया गया, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 1,033 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में बढ़कर 1,600 करोड़ हो गया है। वर्ष 2020-21 हेतु बैंक को 200 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हो गया है, जिससे यह विनियोजन धनराशि बढ़कर 1,800 करोड़ हो जाएगी। प्रदेश के गन्ना किसानों को उनकी उपज की समय से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा
प्रदेश की चीनी मिलों को वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 1751.65 करोड़, वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 2134.17 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 2549.34 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा वर्ष 2002 से 2004 तक बैंक की दो शाखाओं में टोटल ब्रांच ऑटोमेशन आधारित कंप्यूटराइजेशन का कार्य किया गया तथा बैंक की सभी शाखाओं के सेविंग बैंक खातों को कंप्यूटराइज किया गया। वर्ष 2010 में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का कार्य आरंभ किया गया एवं वर्ष 2013 तक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एवं 34 समर्थ जिला सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग प्रणाली आधारित बैंकिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। वर्ष 2018 में 16 नवीन लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भी यूपीसीबी एएसपी मॉडल पर आच्छादित किया गया। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंक सीबीएस प्रणाली पर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सीधी सदस्यता से प्रदेश के 42 जिला सहकारी बैंकों को उप सदस्यता के माध्यम से आरटीजीएस तथा एनईएफटी की सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही नाबार्ड की सहायता से 42 मोबाइल एटीएम वैन का भी संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में हमारा बैंक सीबीएस एटीएम पॉज ईकॉम आरटीजीएस नेफ्ट डीबीटी एनएसीएच पीएफएमएस सीटीएस सीकेवाईसीआर जीएसपी जैसी सेवा प्रदान कर रहा है। भविष्य में सीआईसी ईसीएस मैंडेट इंटरनेट बैंकिंग आईएमपीएस मोबाइल बैंकिंग एयूए केयूए एईपीएस यूपीआई भीम बीबीपीएस डायरेक्ट मेंबरशिप ऑफ सीटीएस कॉल सेंटर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर साइबर इंश्योरेंस एनडीएस होम ई लॉकर वेब पोर्टल माइक्रो एटीएम एट ब्रांचेस एमपॉस डीएमएस वीआईबीए जैसे कार्य किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की उपलब्धियां मोबाइल एटीएम वैन। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से नाबार्ड योजना अंतर्गत मोबाइल एटीएम वैन की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ दिनांक 26 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत एक मोबाइल एटीएम वैन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक हेतु तथा 39 मोबाइल एटीएम वैन प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा यूपीसीबी हेतु 5 तथा अन्य जिला सहकारी बैंकों हेतु कुल 11 मोबाइल एटीएम वैन की स्वीकृति की गई। आरटीजीएस एवं एनईएफटी की सीधी सदस्यता वर्ष 2019 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से आरटीजीएस एनईएफटी की सुविधा का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 42 जिला सहकारी बैंक एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उप सदस्य के रूप में जोड़े जा चुके हैं। शेष 7 जिला सहकारी बैंक भी शीघ्र ही उप सदस्य के रूप में जोड़े जाएंगे। पीएफएमएस डीबीटी वर्तमान में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एवं प्रदेश के समस्त 50 जिला सहकारी बैंक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एवं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अथवा डीबीटी पर लाइव है। वर्तमान में चल रहे आईटी प्रोजेक्ट्स एनएसीएच उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने एनपीसीआई द्वारा संचालित नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की सीधी सदस्यता ग्रहण कर ली गई है। ईसीएस मैंडेट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम की सुविधा शीघ्र ही प्रारंभ किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। एयूए केयूए की सीधी सदस्यता ग्रहण करते हुए जिला सहकारी बैंकों को उप सदस्य के रूप में जोड़ा जाना है, जिससे आधार इनेबल पेमेंट की सुविधा सुलभ कराया जाना संभव हो सकेगा। आईएएस ऑडिट आईटी कार्यों का परीक्षण एवं गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए विभिन्न प्रमाणित संस्थाओं से ऑडिट कराना आवश्यक है। इसी क्रम में बैंक द्वारा
IAS ऑडिट, माइग्रेशन ऑडिट, VAPT के माध्यम से टेक्नोलॉजी आधारित बैंकिंग प्रणाली के निरीक्षण का कार्य निर्धारित समय अंतराल पर नियमित रूप से संपादित किया जा रहा है। GSP की सुविधा उपलब्ध हो जाने से बैंक के प्रत्येक प्रकार के ट्रांजैक्शन एवं उस पर चार्ज की जाने वाली GST को सर्वर के माध्यम से ही सीधे GSTN पाइप पर अपलोड किए जाने का कार्य किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ग्राहकों के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से RBI के दिशा निर्देशों के अनुरूप साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। मोबाइल बैंकिंग बैंक को NFS की सीधी सदस्यता मिलने के पश्चात IMPS हेतु आवेदन की कार्यवाही की जाएगी। IMPS की सदस्यता मिलने के पश्चात ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी में डाटा अपलोडिंग का कार्य CBS के माध्यम से डाटा की ऑटो अपलोडिंग की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। भविष्य के लक्ष्य ई-लॉकर बैंक के व्यवसाय को बढ़ाने तथा बैंक के ग्राहक आधार को अधिक बढ़ाने और बनाए रखने हेतु भविष्य में 24/7 ई-लॉकर सेवा प्रदान किया जाना विचारणीय है। साइबर इंश्योरेंस डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में प्रवेश के साथ ही इस क्षेत्र के संभावित जोखिमों से सुरक्षा हेतु अन्य उपायों के साथ साथ साइबर इंश्योरेंस भी लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कार्यालय के कार्यों के सुगम संचालन तथा पेपरलेस बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाना विचारणीय है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों तथा कृषकों को आधुनिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें वित्तीय समावेशन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सभी पैक्स में माइक्रो ATM की सुविधा के साथ कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम लागू किए जाने का कार्य किया जाएगा। माइक्रो ATM प्रदेश के पैक्स में कंप्यूटराइजेशन किए जाने हेतु नाबार्ड द्वारा 500 माइक्रो ATM लगाने की स्वीकृति दी गई है तथा RKVY योजना अंतर्गत राज्य सरकार से 27.96 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। धन अवमुक्त होते ही हम अपने पैक्स को बिजनेस करस्पोंडेंट के रूप में प्रयोग कर सकेंगे, जिससे जहां एक ओर बैंकिंग सुविधा जन जन तक पहुंचेगी, वहीं पैक्स की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।